नमस्ते बच्चों, आज मैम आपको एक नया व्यंजन सिखाएंगी। व्यंजन घ, जो आप मैम के साथ बोलेंगे। घ, घ से घड़ी। घ, घ से घास। घ, घ से घर। हम लोग घर में ही रहते हैं ना। घ, घ से घोड़ा। घ, घ से घड़ा। सब लोग घड़े का ठंडा पानी पीते हैं ना। घ से घंटी। घ, घ से घोंसला, चिड़िया का घोंसला। घ, घ से घिया, घिया की सब्जी खाते हैं ना। घ, घ से घुंघरू। घ, घ से घी, मम्मा चपाती में घी लगा के देती है ना। घ, अब मैम घ की कहानी सुनाएगी। व्यंजन घ। घ से घोड़ा। घ, घ से घड़ा। घड़े का ठंडा पानी सबको अच्छा लगता है ना। घ, घ से घर, घर में सब लोग प्यार से मिलकर रहते हैं। घ, घ से घोंसला, चिड़िया का अंडा देखा है ना आपने, वो घोंसले में ही होता है। घ, घ से घड़ी, घड़ी कैसे बोलती है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। घ, घ से घुंघरू, घुंघरू पहन के डांस करते हैं। एंड घ से घास। घ, एक दिन घनश्याम जो एक किसान था वो खेत में काम करता था। घनश्याम को हाथ में घाव हो गया, जिससे खून बह रहा था। तभी घनश्याम ने सोचा, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और घोड़े के ऊपर बैठ के वो डॉक्टर के घर जाने लगा। रास्ते में उसे घड़ा दिखा, पेड़ के ऊपर घोंसला दिखा। रास्ते में हरी हरी घास थी और घुंघरू और घड़ी भी थे। घनश्याम घोड़े के ऊपर बैठकर जाने लगा। तभी घोड़ा दो टांग पे खड़ा हो गया। तो अब एक बार घ से अब हम फिर से दोहराएंगे। क, क से कबूतर। ख, ख से खरगोश। ग, ग से गमला। और घ से घड़ी। घ की कहानी, घ से घनश्याम, घ से घोड़ा, घ से घुंघरू, घ से घड़ा, घ से घर, घ से घोंसला। एक दिन घनश्याम घोड़े पर बैठकर जा रहा था, उसको हाथ में घाव हो गया था, जिससे खून बह रहा था। घनश्याम ने सोचा, वो डॉक्टर के घर जाएगा घोड़े पर बैठकर। डॉक्टर का घर बहुत दूर था। तभी घनश्याम ने रास्ते में देखा एक घड़ा, चिड़िया का घोंसला, घुंघरू, घड़ी, जिसे देखकर घनश्याम घड़ी उठाने के लिए झुका और घोड़ा दो टांग पर उठकर चिल्लाने लगा, ही 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 ही।